हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ फिर से एक सीपीयू फ़ैन। ये हमारे डेस्कटॉप का फ़ैन है, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी, हमारा डेस्कटॉप थोड़ी देर चलने के बाद हैंग हो रहा था और थोड़ी और देर अगर हम चला रहे हैं तो बंद भी हो जाता था, हैंग की दिक्कत थी, ठीक है। तो मैंने इसका फ़ैन निकाल लिया। ये हमारा सीपीयू फ़ैन है, ये इसकी हीट सिंक थी, इस तरह से इसको ऊपर लगी थी, ये मैंने इसको रिमूव कर लिया है, ठीक है। इसको साइड में रखते हैं और देखिए आप इसमें धूल कितनी आई है, डस्ट देखिए कितनी डस्ट आई। मैंने झाड़ी आप एक बार और दिखा दूँ, देखिए कितनी डस्ट है इसके अंदर। चलिए हम इसको तो बाद में करें, फिलहाल मैंने ये अलग कर लिया इसको, ठीक है, ये अलग कर लिया। आप इसमें देखिए दिक्कत, देखिए फ़ैन को देख कितना ज़्यादा हार्ड चल रहा है, देखिए बहुत ज़्यादा हार्ड चल रहा है, ठीक है, ये तो दिक्कत है। अब इसको मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको सही करना है। सबसे पहले करना क्या है, हमें इसकी डस्ट साफ करनी है। एक हमें चाहिए ब्रश, पेंट वाला ब्रश, और कुछ ये हमारे स्क्रू ड्राइवर छोटे से माइनस वाले, पास से दिखाता हूँ आपको, देखिए इसके मिडिल में देखिए ये रिंग है प्लास्टिक की, ओ रिंग जिसे बोलते हैं, दिख रहा है इसमें। यहाँ पर आप देखो ध्यान से तो ये जगह दिख रही है आपको, देखिए ये जगह दिख रही होगी आपको, ये इस जगह कट है, ये रिंग में ना पूरी रिंग नहीं होती, इसमें कट होता है बीच में, इस जगह कट की तरफ है। इसको दबा के देखिए, दिखाता हूँ, देखिए आपको इसको दबाइए ऐसे, अभी दब चुकी है, ठीक है। अब इसको इस तरह से ऊपर कर लीजिए, ये आ गई ऐसे। अगर एक एक स्क्रू ड्राइवर से नहीं हो पा रहा तो आप दूसरा स्क्रू ड्राइवर भी लगा सकते हो अंदर, ताकि ये रिंग बाहर आ जाए, ठीक है। ये हमने देखिए ओ रिंग थी इसकी प्लास्टिक की, देखिए ये निकाली है बीच में, इसमें आपको देखने में पता नहीं दिख रहा है कट होता है, यहाँ पर दिखाऊँ आपको, ये रहा कट, देखिए दिख रहा है आपको, ये कट है इसमें इस तरह से। चलिए इसको साफ करके साइड में रख देते हैं। अब जैसे आप ये ओरिंग निकालोगे तो फ़ैन को एक सेकंड होल्ड करिए, देखिए अब इसको फ़ैन को बाहर खींच लेते हैं हम, ये इस तरह से निकलने में हो सकता है दिक्कत करें, तो इसमें देखिए अभी ध्यान से देखिए एक रिंग और है, ये फ़िलहाल ऐसे ही सादा है, निकल जाएगी, ये देखो निकल गई, ये रिंग है, दिख रही है आपको, ये साइड में रख देते हैं दोनों, ध्यान रखें ये खो ना, ये अभी आसानी से अगर आप इसको खींचते हो तो बाहर आ जाएगा, देखिए आ गया हमारे, ये बाहर आ चुका। और अब हमको करना क्या है, सिंपली इसको क्लीन करना है अंदर बाहर हर जगह से, ठीक है, और इसको भी क्लीन करना है अच्छी तरह से, सब ये डस्ट दिख रहा होगा, ये सारी डस्ट क्लीन करनी है, और ये सीपीयू, ये अब देखो हमें इसको तो हम पानी से वॉश कर सकते हैं आराम से, ठीक है, पानी से वॉश करिए इसको, और देखिए इसको भी वॉश कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, मैंने कई बार कराया, हमेशा अच्छा काम होता है। इसको भी वॉश करना है अच्छी तरह से कर सकते हैं, दोनों चीज़ ये रख देते हैं साइड में। इसको फिलहाल हम ब्रश से साफ कर लेते हैं अच्छी तरह से, देखिए अच्छी तरह साफ कर लें, क्योंकि इसको हम वॉश पानी से कर नहीं सकते, क्योंकि इसमें ना देखो कई कई बार अगर आप ट्राई करते हो तो इसको ना इस तरह से पकड़ना है, और इस तरह से अगर आप मूव करो हल्का सा मूव हो रहा है, उसको बाहर निकाल सकते हैं, देखिए ये देखिए निकल चुका है, वरना इतनी आसानी से निकलता नहीं है बाहर, पर निकल गया तो चलो इसको भी वॉश कर लेंगे, कोई बात नहीं। अब देखिए बिल्कुल फ़ैन नया हो जाएगा, ये केबल यहाँ से निकाले वन बाय वन, पहले येलो निकालते हैं, पास में येलो निकल गया, फिर ये ब्लैक ये निकल गया, फिर देखिए दोस्तों ब्लैक तार टूट गया इसका, कोई नहीं शोल्डिंग कर लेंगे, ठीक है, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, ये निकालते हैं, फिर ये ग्रीन, फिर ब्लू निकल गया और ये बाहर आ गया। देखिए दोस्तों कई बार ये बाहर नहीं आता, ध्यान रखना ये इससे रिमूव नहीं हो पाता है कई बार, तो अगर देखते हैं आप इजीली करके देखिए, अगर रिमूव आ रहा है ठीक, नहीं आ रहा तो ऐसे ही साफ कर लीजिए। अब हम इसको वॉश कर लेंगे पानी से, ठीक है। अब बचा ये हमारे पास सर्किट, सर्किट के फिलहाल तो एक लैग टूट चुकी है ब्लैक वाली, इसको मैं यहाँ पर इस जगह से सर्किट टूटा है ये इस जगह से। और देखिए एक बात और बताऊँ आपको, कभी भी कुछ भी आप कर रहे हो तो सबसे पहले एक फ़ोटो खींच के रख लें इसकी वायरिंग सर्किट डायग्राम की, कौन सा वायर कहाँ लगा हुआ। कई कई बार ऐसा होता है हम ये कुछ वर्क कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, एक बार और टूट गया, फिर आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि ब्लैक यहाँ था या यहाँ था कहीं और था, तो इसका फ़ोटो
ले फोटो ले सकते हैं। देखो तो मैं तो इसमें फिलहाल वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे तो फिलहाल कोई ज़रूरत है नहीं इसके सर्किट डायग्राम को, ठीक है। चलिए अब इसको साफ कर लेते हैं ऐसे पूरा अच्छी तरह से, और ज़्यादा हार्डली नहीं करना जो कि इसके वायर वायर टूट जाए, इस तरह से भी नहीं करना। देखिए बिल्कुल ये साफ़ हो चुका है, इसका काम ख़त्म हो चुका है। अब देखिए एक ही सीधा ये, इसमें अगर आप मैं डाल कर देखूँ तो देखिए बहुत ज़्यादा हार्ड चल रहा था, ये बहुत ज़्यादा हार्ड चल रहा है, देखिए बहुत ज़्यादा। तो हमें करना क्या है, पहले तो इसको वॉश करते हैं अच्छी तरह से। और हाँ एक चीज़ और याद रखिए, इसमें भी एक ओरिंग होती है रबड़ की, देखिए ये निकालता हूँ मैं, ये फिलहाल ख़राब हो चुकी है, शायद गल चुकी है, इसको भी साइड में रख लेते हैं। ये तीन ओरिंग हमारी निकली हैं इसमें, एक और है देखिए चौथी, ये चौथी, ठीक है। फिलहाल ये याद रखें, चार दो रिंग इधर ओरिंग, अब ये क्लीन करना, पानी से वॉश कर लीजिए, इसको भी वॉश करना है, ठीक है। सब मैं सब कुछ वॉश करके ला करके आपको दिखाता हूँ, तब तक के लिए वेट करिए। देखिए दोस्तों मैंने अभी सब कुछ वॉश कर लिया, जैसे मैंने अभी बताया था वॉश कर लिया, देखिए बिल्कुल नया सा लग रहा है। और ये मैंने वॉश कर लिया और ये इसके सर्किट फिट कर दिया, और जो इसका एक तार टूटा था वो मैंने जोड़ दिया है, ठीक है। अब इनके वायर को बस जैसे जैसे निकाले थे मैं वैसे वैसे लगा रहा हूँ उनको, देखिए बस यही काम करना है, ये दो और ये दो, ये लग गया और लास्ट ब्लू रह गया है, ब्लू भी कर देते हैं, ये रहा। देखिए ये केबल लग चुकी है, इतना काम ख़त्म हो चुका है, ठीक है। ये मैंने क्लीन कर लिया है और ये इसकी रॉड पूरी क्लीन कर लिए, देखिए क्लीन से लग रहा है। और ये इसकी हीट सिंक थी, हीट सिंक मैंने देखिए बिल्कुल साफ़ कर लिया, बिल्कुल नई की तरह हो चुकी है। चलिए और अब बारी है हमारी इसमें ओरिंग लगाने की। ओरिंग लगाने से पहले इसमें हम कुछ ग्रीस लगा लेते हैं, देखिए एक इस पर जो ये बीच में शॉफ्ट है उस पर लगा लेते हैं थोड़ी सी, और बाकी ये जो इसमें है इसमें लगा लेते हैं। लगा लिया हमने, ठीक है। अब इसमें एक ओरिंग को बिठाना है, जो जैसे जैसे हमने ओरिंग निकाली थी वैसे वैसे लगानी है। देखिए ये ओरिंग थी चार, देखिए चार ओरिंग थी, सबसे पहले ये जो मेटल वाली ओरिंग थी सबसे पहले ये लगी हुई थी, चलो ये डाल दी हमने, उसके बाद में ये रबड़ वाली लगी हुई थी, चलिए ये भी डाल देते हैं। अब इसको अंदर करके इस पर ग्रीस लगा देते हैं, और बस अब हमें करना क्या है, इसको फ़ैन को इसमें बिठाते हैं, इसकी बीच में डालकर अब देखिए बिल्कुल फ्री चल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड था और आवाज़ भी कर रहा था पहले, ठीक है। एक काम ये ख़त्म हो चुका, अब हमें करने का जैसे जैसे हमने ये हमने इसमें बीच में लगा देते हैं और ग्रीस, देखिए हमने लगा दिए। अब मैं करने क्या है, पहले तो ये वाली जो मेटल वाली ओरिंग थी वो लगानी है, चिमटी की हेल्प ले सकते हैं आप या किसी भी चीज़ की हेल्प ले सकते हैं जिसके आप चाहें। एक हाथ में ये हमने देखिए ऐसे बिठा दी ओरिंग, देखिए ये बैठ चुकी है। अब आइए प्लास्टिक वाली ओरिंग, प्लास्टिक वाली में मैंने बताया था आपको कि लॉक होता है, तो इसको थोड़ा सा सावधानी से करना है, डालना है इसके अंदर और उसको चिमटी से ही दबाना, या कोई ऐसे कोई व्हील टाइप हो जो उसमें आ जाए, ये इस तरह से देखिए इस तरह से मैंने ये देखिए ये दबाई, ये ओरिंग बैठ चुकी है, देखिए ओरिंग सही से लगी है, यानी इसकी पहचान तरीका ये है, इसको बाहर खींच कर देखिए बाहर नहीं आ गई, ये ओरिंग इसलिए लगाई गई ताकि बाहर ना आए फैन। अब देखिए फिट हो चुका है,
अब देख फैन कितना स्मूथ चल रहा है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये जितनी भी हमारी ग्रीस वगैरह ये आई है सामने, इसको क्लीन कर दीजिए बिल्कुल। चलिए अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये क्लीन कर लिया, इसको क्लीन करने के बाद अब हमें एक चीज़ नोट करनी है, इस पर ये खुला नहीं रखना कभी, अगर हमने खुला रखा तो उसके अंदर डस्ट जाएगी, फ्रीज जाम हो जाएगा। तो इस पर या तो हम टेप लगा दें या इसका स्टिकर कोई है तो वो चिपका सकते हैं। देखिए स्टिकर था इसका, ये मैंने चिपका दिया है। ठीक है, अभी फैन हो चुका है कम्प्लीट, अब इसकी हीट सिंक को हम यहाँ पर फिट करते हैं। इसको फिट करने का तरीका देखिए, ये लॉक दिख रहा है आपको, एक ये लॉक है, एक इधर है, इधर नहीं है, इधर और इधर नहीं है। ठीक है, तो हमें और हीट सिंक में यहाँ पर ये लॉक फंसने हैं, देखिए ये एक इधर लॉक फंसना है, एक इधर फंसना है, तो बस हमें लॉक पर लॉक बिठाना है इस तरह से, और ये इसको अंदर साइड पुश कर देना, ये इधर से हुआ और ये इधर से। देखिए ये बिल्कुल लग चुका है फैन, ये हो चुका है रेडी चलने के लिए स्मूथ, अब इसको लगा सकते हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, और अगर कुछ कन्फ्यूजन हो या कुछ पूछना हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए फिर आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।